यहाँ पर नंदगांव की महिमा वर्णन करते हैं रघुनाथ दास को सुना, कहते हैं कि यह जो ये नंदगांव है, नंदीश्वर पर्वत है, ब्रजराज सुनो, ब्रजराज नंद बाबा उनके जो बेटे श्री कृष्ण है, नंद नंदनस्य श्री कृष्णस्य प्रियतया ब्रजवंदिता, ये श्री कृष्ण के रहने के कारण यह नंद गिरी नंद पर्वत गोवर्धनात् अपि गुरु, ये गोवर्धन से भी श्रेष्ठ नंदीश्वर पर्वत। कहते हैं गोवर्धनात् अपि गुरु, गोवर्धन से श्रेष्ठ है, पूज्य सर श्रेष्ठ है। इह ब्रजे गवाम हम्बारवै अपि बल्लवानां कोलाहलै विविध बंदी कला वृतांते। यहाँ पर गोपियाँ या गैया हमेशा हम्बारो करते रहते। गोवर्धन की महिमा इसीलिए है कि गोवर्धन गैया को वर्धन करते हैं गिरिराज जी, और 9 लाख गैया नंद बाबा के घर में हमेशा रहती है। तो गाय का जहाँ हम्बार होता है, अर्थात गाय के मुंह से जो स्तुति पाठ होता है, और ब्रजवासी लोग जिन गैया की महिमा गाते रहते हैं, जो नंदीश्वर गिरी नंद नंदन का प्रिय होने के कारण ब्रजजन पूज्य गोवर्धन से भी अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि यहाँ गैया हमेशा हम्बारा करती रहती है और गोपों द्वारा स्तुति पाठ बंदित जन इत्यादि विविध प्रकार के कला कुशलों से कोलाहल से यह शोभा प्राप्त होगा, सदैव इसकी महिमा गान किया जा रहा है। रघुनाथ दास गोस्वामी प्रिया जी के इस लीला का स्मरण कर रहे हैं कि जावट गांव में प्रिया जी हैं या बरसाना में हैं, प्रतिदिन प्रिया जी को ठाकुर जी के लिए आना पड़ता है रंधन करने के लिए। कुंदलता नंद गांव से आती हैं और प्रिया जी के पास आकर के कहती हैं कि जसोदा मैया आपको बुलाई। तो जसोदा मैया के नाम सुनकर के प्रिया जी प्रफुल्लित हो जाते, प्रसन्न हो जाते कि अब हमको श्री कृष्ण से मिलने में कोई बाधा नहीं, क्योंकि गुरु की आदेश है जसोदा मैया बुला रही, और हमारे जो सास जटिला है यह भी प्रसन्न होकर के हमको छुट्टी दे दी। यह सुन करके प्रिया जी के प्रत्येक अंग में पुलकावली छाई। आज हमको नंदीश्वर गिरी का दर्शन होगा और नंदगांव की अद्भुत महिमा है शास्त्रों में, जहाँ साक्षात रमा रमण भगवान श्री हरि बाल लीला किए हैं, वहाँ का गांव, वहाँ का घर, वहाँ के पशु पक्षी ये सब दिव्य हैं, लौकिक हैं। और प्रिया जी के हृदय में प्यारे श्याम सुंदर के से मिलने के लिए जो अनेक प्रकार के जो सत सत उत्साह उठ रहा है उनके हृदय में, और श्याम सुंदर के दर्शन के लिए प्रिया जी चलती हैं हमेशा, बहुत त्वरा से चलती तीव्र गति से। संत महात्मा लोग उस रस का स्वादन करते हैं, सुंदरी सखी सखी संगे करल प्रया। प्रिया जी अभिसार कर रही है सखियों के साथ, मन में बहुत भारी उत्साह है कि आज प्यारे श्याम सुंदर का दर्शन हो। अब इसमें चोरी की बात नहीं है, दोनों तरफ से हमें छुट्टी मिली है, यशोदा मैया भी बुला रही है मुझको, और इसके साथ ही साथ हमारी सास भी अनुमति दे दी है। तो
प्रिया जी अपने शरीर को ढक करके और चल रंग पाटांबर छापल सब तन श्री अंग को ढक करके चलती हैं, नेत्र में काजल लगा है प्रिया जी का। अब प्रिया जी के अंग का वर्णन आचार्य लोग कर रहे हैं, प्रिया जी का अंग का वर्णन भला कौन कर सकता है, इसमें इतनी ताकत है कि प्रिया जी के एक नख ज्योति से जो अनंत अनंत ब्रह्मांड में प्रकाश है, और उन प्रिया जी के दिव्य प्रकाश का कौन वर्णन करे। दशनक ज्योति मोहितन समतुल मोती सब, समझाने के लिए कह दिया जाता है प्रिया जी का दान दंत पंक्ति कैसा है, ऐसा लगता है कि ये दांत नहीं है मणि, दिव्य प्रकाश निकल रहा है। हसित खसे मणि जाए, जब प्रिया जी हंसती हैं तो उनके मुख दंत पंक्ति से दिव्य ज्योति निकलता है, और इस ज्योति को कोई वर्णन नहीं कर सकता है। कांचन किरण वर्ण न समतुल वचन जिनिया पिक बार, विद्यापति जी का एक पद है कि प्रिया जी जब अभिशाद करती हैं चलती हैं तो प्रिया जी के मतवाली चाल को देख करके हाथी बनवास ले ली, अब हमको रहने की जरूरत है। सब लोग प्रिया जी के गति गजराजक भाने, प्रिया जी जब कुछ बोलती हैं तो उनकी आवाज सुन करके कोयल उड़ गया आकाश में, ना ना सारा संसार में हमारी बाणी की लोग प्रशंसा करते हैं कोयल जैसी बाणी, लेकिन प्रिया जी के बाणी के आगे तो मैं फीका हो गया, वो आकाश चला गया। प्रिया जी के मुखमंडल की जो आभा है कल उसमें चंद्र किरण छटक रहा है, इस छटक को देख करके चंद्रमा आकाश में चला गया, ऐसा रूप। कर पद तल थल कमल दल धार, प्रिया जी का जो हाथ है चरण कमल है इससे कमल का फूल भी शर्मा गया लगा गया, कि हमारी कोमलता इनके आगे काम। अभिशाप जब कर रही हैं तो मंजिर रुन झुन बाज, प्रिया जी के कटी प्रदेश में जो मंजरी है पायल में पैर में जो नूपुर है वो बज रहा है। गोविंद दास कह रमण शिरोमणि जीथस मन मथ राज, प्रिया जी का अभिशाप देख करके कामदेव भी मोहित हो गया, जीत ली तीनों लोगों पर विजय प्राप्त कर चल दी है। सखियां दिखा रही हैं प्रिया जी, सखी देखो ये नंदगांव आ गया। ऐसे ही प्रिया जी नंदगांव के नाम सुनते हैं, श्री कृष्ण का नाम सुनते हैं, भाव साबल्य उपस्थित हो जाता है, एक भाव के ऊपर दूसरा, दूसरा के भाव तीसरा, ऐसा प्रकट हो जाता है। और एक सखी दिखा रही है कि देखो देखो नंद शिखर पर प्यारे श्याम सुंदर पीताम्बर पहने हुए इधर ही देख रहे हैं। प्रिया जी की दृष्टि वहां गई और वहां जाते ही कुंदलता से कहती है सखी अब दूसरा रास्ता चलो, इस रास्ता पर नहीं चलो, क्यों नहीं चले, यहाँ बहुत कंकड़ पत्थर है। तो कुंदलता कह रही कि पैर में कंकड़ पत्थर लग रहा है कि हृदय में लग रहा है, कहाँ ये कंकड़ पत्थर लग रहा है। इस प्रकार प्रिया जी के उत्कर्ष उस रस को बढ़ाती हुई गोपीजन आगे बढ़ती है। यहाँ पर आचार्य चरण कह रहे हैं कि देखो भगवान को भक्त से मिलने में कितना आनंद आता है। यहाँ पर बृहद भागवतामृत का श्लोक उद्धृत किए गए हैं कि जब गोप कुमार महाविष्णु वैकुंठ लोक में गया तो भगवान नारायण जब देखे गोप कुमार को तो अपने सिंहासन पर बैठा है, और भगवान कहे कि स्वागतम स्वागतम वत्स दृष्ट्या दृष्ट्या भगवान माया। देखिए माँ बाप को जितना अपने संतान से मिलने में सुख होता है उतना बेटा को सुख नहीं मिलता, भगवान को अपने भक्त से मिलने में जितना सुख मिलता है आनंद मिलता है उतना मिल ही नहीं सकता है
जीव को, जीव कहाँ भजन करता है, कितना बार भगवान भगवत गीता में, भागवत में संत महात्माओं के माध्यम से कहते हैं कि तुम भगवान का अंश हो, भगवान तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम्हारे लिए भगवान न जाने कितने बार अवतार दिए, लेकिन जीव के हृदय में कहाँ इच्छा होता है मैं भगवान का भजन करूँ, अपने प्रभु से मिलूँ। जीव के ऊपर इच्छा ही नहीं, बिल्कुल इच्छा है। फिर भगवान काल रूप से आते हैं, उसको पीटते हैं, उसके पैर का शक्ति नष्ट करते हैं, खाता है तो खाने के बाद उसकी किडनी, क्या है, लीवर को, किडनी को, एक यंत्र को तोड़ते रहते हैं कि तुम कहाँ फंस रहे हो, इस शरीर में क्यों फंस रहा है। शरीर से बाहर जो वस्तु है उससे आसक्ति पिटवाते हैं, बेटा से पिटवाते हैं, पत्नी से पिटवाते हैं। लोग सोचता है कि बेटा पीट रहा है, बेटा नहीं पीटता है, भगवान को इतना प्यार है, श्री कृष्ण को इतना प्यार है हम लोगों से, कि हम लोगों के लिए भगवान तो विविध अवतार धारण करते हैं, बहुत से अवतार धारण करके जीव को उन्मुख करना चाहते हैं, जीव मेरे पास आ है किसी भी तरह है। जब फिर भी नहीं आता है तो काल रूप में आते हैं, उसको भयंकर व्याधि देते हैं, आदि व्याधि, ये दो रोग देते हैं, एक आदि है और एक व्याधि है। आदि है मानसिक क्लेश, थोड़ा सा कोई बोल देता है तो मानसिक क्लेश हो जाता है, वो भी कुछ नहीं करते। फिर व्याधि आ जाए, शरीर में नए नए जो रोग उत्पन्न होता है तो भगवान ही करते हैं, कृष्ण करते हैं, केवल अपने पास बुलाने के लिए, अभी भी चेत जाए जीव। लेकिन जीव को इतना व्यसन पड़ गया है, अहो जनानम व्यसना भी मुख्यम वक्तु समर्थो भी न वक्तु कश्चित। अरे इन मनुष्यों को तो देखो, इन लोगों को लात खाने की आदत पड़ गई, बार बार पिटाई खाता है फिर भी उधर ही जाता, मेरे तरफ में उन्मुख नहीं होता। यहाँ पर बड़ा सुंदर प्रसंग बृहद भागवतामृत से उपस्थित किए हैं कि देखो ये भगवान कितना जीवों से प्यार करते हैं कि जीव मेरे पास आ जाए, और उस जीव को आने के लिए भगवान विविध प्रकार की लीला करते हैं, फिर भी ये जीव सुधरता नहीं। तब भगवान काल रूप तीन कर्म भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फल दाता, फिर भगवान काल के रूप में आते। लेकिन ये जीव की जो आदत पड़ गई है संसार से आसक्त होने की, वो छूटता नहीं। अजीव यहाँ तक कहते हैं, देखो तुम्हारे लिए ही, तुम पर कृपा करने के लिए मैं तुझको ब्रजवास दी, नंद गोपाल कुमार को भगवान कह रहे हैं। मत समझिए आप लोग जो वृंदावन में आए हैं, आप लोगों का पुरुषार्थ यहाँ पर बैठाया है, ये किशोरी जी की स्पेशल कृपा है हम लोगों के, जो हम लोगों को वृंदावन वास दिया है, मानव शरीर दिया है, साधु संग किया है। ये केवल यहाँ पर स्वयं कहते हैं कि मैं तुझको दिया हूँ, श्रीमद गोवर्धने तस्मिन निज प्रियतम मास्टर। एक राज गोवर्धन है, वृंदावन है, नंदगांव है, बरसाना है, केवल मेरे कृपा से तुझको प्राप्त हुआ है, फिर भी तुम भजन नहीं करता है, तुम उसको, मैं तुझको साधु संत का संग दे देता हूँ, वेद शास्त्रों का सानिध्य दे देता हूँ कि तुम हमारे पास आ जाओ, फिर भी हम नहीं आते, कितना दुख की बात है। माँ बाप कहते हैं अपने बेटा को अपने पास रखना चाहते, लेकिन बेटा अपना भोग में पढ़ करके माता पिता को उल्लंघन कर देते, जा अपना सुन ले, ये तुम्हारे लिए मैं कितनी विविध प्रकार की सामग्री उपस्थित किया हूँ, ब्रजधाम में सारा देखिए खींच करके लाए हैं। हम लोग अपनी महिमा समझ लें पहले, तब भगवान की महिमा समझ लें। हम लोगों के ऊपर ठाकुर जी की कृपा कितनी, तो भगवान कहते हैं अनादि सेतु मूलंग्य तत्मेत कराद्वयम् तते मई ये कृपा दीक्षा व्यग्रो अनुग्रह का कर। देखो हे वत्स, अपने प्रति तुम्हारी ऐसी उपेक्षा देखकर मैं व्याकुल हो गया। हम लोग भगवान को नित्य प्रति उपेक्षा कर रहे, भगवान हमको सुलभ सुंदर शरीर दिए, रहने की व्यवस्था दिए, खाने की व्यवस्था दिए, समय दिए भजन करने के लिए, कितना ठाकुर जी की अनुग्रह। हम लोग क्या करते, भगवान को उपेक्षा करते, अच्छा क्या भजन करने से
उपेक्षा दिन प्रतिदिन कर रहे हैं। हम ही लोग नहीं, प्रत्येक जीव को भगवान सुविधा दिए। कब हम करी करवा नर दे ही देत इस दिन हेत सने था। 84 लाख जोनि में भ्रमण करते करते अचानक प्रभु की कृपा हो गई। कब हम करी करुणा नर दे, करुणा करके ठाकुर जी ने हमको मानव शरीर दे। देत इस बिनु हेत सने, इसने कृपा किया बिनु हेत, अकारण करुणा करुणालय की कृपा हो गई हम लोगों को मानव शरीर दे। मानव शरीर के बाद भी भगवान ने कृपा करके हम लोगों को यहाँ पर बैठा दिया, वृंदावन दे दिया, ब्रजवास दे दिया। कितनी अपार कृपा, ब्रजवास दे दिया, हजारों लोगों को ब्रजवास दिया है कि पता ये सब लोगों को दिए, मानव शरीर दिए। फिर मानव शरीर के बाद सत्संग दे दिए, महापुरुषों का सानिध्य भी मिल गया, आज इस रस की उपासना दे दी। कितनी भारी कृपा, हम लोग बिल्कुल वैकुंठ के दरवाजे पर बैठे हैं, किशोरी जी के दरवाजा पर, वृंदावन कहाँ, हम लोग किशोरी जी के निकुंज में बैठे हैं, कुंज इतना नजदीक सा नहीं, और फिर भी हमारा मन तो देख अपनी ओर देख। मैं तुम्हारी इस उपेक्षा को देख करके व्याकुल हो गया। भगवान कहते हैं इतना सारा सुविधा मैं तुम्हारे को दिया, सब कुछ किया, लेकिन तुम हमारी उपेक्षा करते जा रहे हैं। उपेक्षा करते मैं समझ रहे हैं ना, टाइम दिया है भगवान का भजन नहीं करते हैं, ये भगवान का सबसे बड़ी उपेक्षा। मास्टर बाबा कहते थे कि राज्य गोवर्धन वाले कि देखो मैं साधु बनना नहीं चाहता था, हम स्वप्न में भी सोचा नहीं था कि मुझे साधु बनना था, लेकिन प्रकृति हमें साधु बनाए। हम बनना नहीं चाहते थे, हमको प्रकृति ने बनाया। तो अब तो ईमानदारी और साधु का जो काम है वो तुम्हें पर, उसी तरह भगवान ने हम लोग को कितना भारी अनुग्रह किया, कितनी विशेष कृपा किया हम लोग को। लेकिन अपने ओर तो देखिए, हमारी तो देखो कितना धृष्टता है उन प्रभु के लिए। कहते हैं कि इस राज गोबर श्रीमद गोवर्धने तस्मिन निज प्रियतमास्पद है, मैंने राज गोवर्धन के तलहटी में तुम्हारा जन्म दे दिया। गोप कुमार के लिए भगवान कहते हैं स्वयं मेव भवंता त जयंतास्य समय गुरु, स्वयं मैं ही तुम्हारा गुरु बनकर तुम्हारे कान में मंत्र दे दिया। जीवे रो विस्तार लागी नंद सूत हरि आ भुवने प्रकाश हना गुरु रूप धरि। अब तुमको अपने पास बुलाने के लिए मैं ही गुरु बनकर के तुम्हारे कान में मैं मंत्रोपदेश दे दिया। अकामं दीर्घतमं मेद्य चिरात्मं संपूरय स्वस्य मेपि सुखं पुष्यन् अत्रैव निवसस्थिरः। अब यहाँ स्थिर भाव रहकर मेरा और अपना सुख पुष्ट कर। ये देखिए भगवान की वाणी ठाकुर जी की, गोप कुमार के प्रति नहीं है, हम लोगों के प्रति। देखिए शास्त्र का, शास्त्र की रचना किसी के लिए नहीं हुआ है, जितने आख्यायिका बना करके उदाहरण हो केवल हमारे, ये सब मेरे लिए ही हुआ है। प्रत्येक जीव को भगवत रूप में पाने के लिए भगवान श्री हरि ललित रहते, भगवान की इच्छा रहती है कि सब जीव मेरे पास आए, उसके लिए ही भगवान का विविध अवतार होता है। इसका मतलब यह नहीं कि भगवान अवतार राम कृष्ण के रूप में लेते, आज भी प्रति क्षण श्री कृष्ण का अवतार हो रहा है, प्रति क्षण प्रत्येक दृश्य दर्शन है और दर्शन करने पर सिद्धांत हो जाता। काले काले नाम रूप में कृष्ण अवतार, एक बार जो नाम ले कृष्ण का अवतार हो रहा है, नाम रूप में ठाकुर जी का अवतार हो रहा है, संत के रूप में, गुरु के रूप में, शास्त्र के रूप में। अरे रास्ता में जा रहे हैं, कोई अनभिज्ञ जीव द्वारा आपको पिटवा देते हैं, वो भगवान की कृपा है, विशेष कृपा। कोई कहीं जा रहा है पीट दिया, कोई पीटर है किसने पीट दिया, कहाँ जा रहा है, भजन कर चुपचाप ले जा रहा है, किशोरी जी की कृपा है, भगवान की कृपा है। अरे भाई किसको गाली नहीं सहा, कौन नहीं सहा, लेकिन किसी का गाली लग गया, भजन में लग गया। बंगाल के राजा थे, गए नदी पार होकर के,
आओ उनकी पत्नी की वाणी से उसको बैराग्य, अच्छा घर छोड़कर मिल जाओ। तो यही यहाँ पर कह रहे हैं कि देखो अरे भगवान चाहते हैं ये जीव, जैसे माता पिताजी का सारा वस्तु है हमारे घर में, सब कुछ पिताजी का है, अब पिताजी की ही वस्तु, उन्हीं का बच्चा यदि एक गिलास पानी, उन्हीं का गिलास, उन्हीं का पानी लेकर लेता है तो पिता खुश हो जाता है। उसी तरह भगवान चाहते हैं कि ये जीव मेरा भजन करे, आकांक्षा रहती है। गोप कुमार को देखकर नारायण ने परमानंद को प्राप्त किया, पर उनके आनंद मात्रा की इतनी अधिक न थी कि वे उस आनंद के भार को सहन कर पाने के कारण मूर्छित हो गए। गोप कुमार की बहुत सुंदर कथा है बेहद भागवत लेकर, कहीं कहीं भी जाता है लेकिन वो टिक नहीं पाता है, जो रस चाहता है कहीं मिल नहीं। तो देखिए भगवान को जीवों के प्रति इतनी करुणा है तो किशोरी जी को कितनी करुणा होगी। ये राधा रानी का करुणा यहाँ पर दिखाया जा रहा है, ये प्रिया जी जीवों के लिए कितना तड़पती है, ये ठाकुर जी का जितना अवतार है ये केवल प्रिया जी की कृपा से, राधा रानी की कृपा से, राधा रानी ही कृपा करके इस जगत में जीव को उद्धार के लिए उपाय बताती। अब देखिए ये स्वार्थ के भजन में भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते, स्वार्थी भजन, हम भगवान से कुछ चाहें इसके लिए यदि भजन करते हैं वो भी खराब नहीं अच्छा है। चार प्रकार के भक्त हैं, आर्थ जिज्ञास सुरार्थी ज्ञानी, ये चार प्रकार के भक्त हैं, वो भी भगवान के भक्त हैं, लेकिन वो भक्ति भगवान का प्रेम नहीं दे सकते, वस्तु देकर तो छिप जाते हैं, लेकिन भगवत प्रेम यदि प्राप्त करना है, किशोरी जी के चरण कमल में यदि प्रीति प्राप्त करना है तो स्वार्थी भक्त भगवान के प्रेम को प्राप्त नहीं कर सकते। श्री कृष्ण के दर्शन कर मैं प्रेम में विमोहित हो गया, ये किशोरी जी का। देखिए हमको कृष्ण से अत्यधिक प्रेम प्रिया जी का है, प्रिया जी कितना प्रेम अपने प्रेम मंजरियों से प्यार करते हैं इसकी तुलना कोई कर ही नहीं सकता। अपने महाराज सिंहासन पर बैठाते हैं, प्यार करते हैं प्रिया जी, सखी सखी मंजरियों से कितना प्यार किशोरी जी करती हैं, करती हैं। यहाँ तक कि अब देखिए उस लीला में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी प्रवेश कर रहे हैं कि ये रूप मंजरी हाथ पकड़ करके प्रिया जी को अभिशाप करा रहे हैं नंदीश्वर की तरफ, और पीछे पीछे तुलसी मंजरी भी हाथ में जल लेकर चल रहे हैं। स्मरण निष्ठ साधक नित्य ही स्वभाव माधुरी का स्वादन करते रहते हैं, ये प्रतिदिन प्रतिदिन प्रिया जी का अभिसार होता है नंदगांव की तरफ, सखियों की परिवेष्टित होकर के चलती है और पीछे पीछे ये मंजरियां भी चलती हैं सेवा के लेकर, और स्वामी की चलती और मंजरियां रस चर्चा करते हुए चल रही। प्रिया जी कभी भी प्रलंब में न आवे तो श्री कृष्ण की चर्चा करके उनको तीव्रता त्वरा लाती है, आनंद देती है, और भुवन उस पर से दृष्टि दिलाती है कि देखो 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 नंद कुमार दर्शन दे रहे हैं। प्रिया जी देखती हैं उसको भुवन मोहन रूप माधुरी को देख करके, यहाँ प्रिया जी विभोर हो जाती हैं, उधर प्यारे श्याम सुंदर भी विभोर हो जाते हैं प्रिया जी को देखकर, अपलक नेत्रों से देख रहे हैं, दोनों अपने अपने ध्यान का धन प्रत्यक्ष देख रहे हैं। श्याम सुंदर का जीवन का अभिष्ट है प्रिया जी की सेवा, और प्रिया जी का जीवन का अभिष्ट है प्यारे श्याम सुंदर की सेवा, इसके अतिरिक्त दोनों को कोई चाह नहीं, और सखी मंजरियों का केवल एकमात्र इच्छा है प्रिया जी की सेवा। आचार्य चरण कहते हैं पथगति नयन मिलल राधा का, रास्ता में ही प्रिया लाल का मिलन हो गया, दुहु मने मनसिज पूरा लोसन, प्रियालाल दोनों मिलन हो रहा है, और दुहमुख हेरई के दुहु बेल भोर, दोनों एक दूसरे को भूल गए। प्रिया प्रियतम का जब मिलन हो गया तो दोनों बेहोश हो गए, उस समय सखी मंजरियों का बहुत सेवा हो जाती है प्रियालाल जब मिलते हैं। दुहमुख हेरई के दुहु बेल भोर, और समय न बुझल अचतुर चोर, सखी है कि कुछ ऐसी अनुभव कि प्रेम जिस रस का यहाँ पर स्वादन श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कर रहे हैं,
वो भूल गए गैया एक गागरी उठाई हो। प्रियालाल का देखिए मिलन हो गया, गोचारण करने के लिए प्यारे श्याम सुंदर गए हैं और जल भरने के लिए प्रिया जी गई। दो पर पहिया दो लेस हैं पलैया, वो भूल गए गैया एक गागरी उठाई हो। प्रिया जी तो जल भरने के लिए जमुना जी की तट पर आई, अब प्यारे श्याम सुंदर गोचारण के लिए आए, दोनों एक दूसरे से मिलन हो गए, दोनों एक दूसरे के चरण पर गिर गए। दो पर पहिया दो लेत है भलैया, वो भूल गई गैया एक गागरी उठाई हो। श्याम सुंदर भूल गए कि हमको गोचारण भी करना है, और यहाँ प्रिया जी भी भूल गई कि हमको गगरी लेकर भी पानी लेकर के घर पर जाना है। ये देखिए प्रेम है, दुहु मन मनोभव देखल जाए। ये दोनों अब क्या करें, अब इस समय सखी मंजरिया देखिए उसमें विप्रलम, विप्रलम में फिर मिलन, फिर मिलन में विप्रलम, फिर विप्रलम में मिलन। यही विदग्ध संगनी सब रस जान, कुटिल नयन कर लो सावधान। अब क्या करना है, उस समय सबसे श्रेष्ठ सेवा ललिता सखी की, ललिता सखी ही प्रियालाल दोनों को डांट करके ठीक करती है, अभी टाइम नहीं चलो इधर बैठो। विद्यापति जी का एक पद है, ललिता सखी डांटती है प्रिया, अरे राय बस हो गया हो गया हो गया, वो पाप मान करने सिखलाना, मान भंग करने सिखलाना, अभिसार करने सिखलाना, सखी शिक्षा राजा रानी को शिक्षा देती है ललिता सखी। कैसे ये गुरु है ना आचार्य ललिता सखी आचार्य किसको कैसे रूप और तुलसी समय के अनुरूप सेवा कर रहे हैं। प्रियालाल का मिलन हुआ है, दोनों दोनों तो प्रेम की अधिष्ठात्री देवता है, प्रेम क्या श्री कृष्ण का प्यारे श्याम सुंदर, प्रेमी हमेशा झुका करता है, प्रेम झुकती है श्याम सुंदर झुकते हैं, यही है। यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि दीन अपन को मान, ये श्री कृष्ण कौन है, अरे ब्रह्मा विष्णु साहब जिनके चरण कमल को वंदन करते हैं वो प्यारे श्याम सुंदर ब्रज में गैया चढ़ाते हैं गोबर उठाते हैं, ये प्रेम। यहाँ रूप गुण लीला आदि के स्वादन से युक्त भजन ये महात्मा लोग अपना भजन करते हैं, देखिए यही भजन साधना है। हाथ से तो नाम ना मुंह जीभ से नाम चल रहा है और चित्त प्रियालाल के दिव्य लीलाओं में निमग्न हो रहा है, वहाँ सब देह श्रुति है न पूछे, वहाँ प्रियालाल का दिव्य बिहार चल रहा है, जिस बिहार को देख करके योगी जति लोग सब अपने मन को रोक करके इस लीला में उतर। उसी समय महाराज देखिए क्या होता है, चलो सखी हम लोग इसी रास्ता से पूर्व में प्रवेश कर रहे हैं। वहाँ प्रिया जी अब इतनी घबरा गई है प्यारे श्याम सुंदर का दर्शन करके, उनका शरीर कंपित हो रहा है, अब मैं क्या करूँ, चलो।